इनके इंटरव्यू में एक बात पता चलेगी कि एक लड़की के पास जॉब होने के बाद उनकी लाइफ कैसी चेंज होती है। रेलवेज में भी मतलब वैकेंसीज कंसिस्टेंट नहीं। तो आपने प्रिपरेशन शुरू किया था, फिर आप आए, फिर आपने फिर बंद कर दिया था, फिर आप वापस आए थे, वो क्यों, वो क्या हुआ था बताइए। क्योंकि बैंकिंग हर साल वैकेंसीज निकालता है और टाइम टू टाइम रिजल्ट्स भी देता है नोटिफिकेशन, तो फिर मैंने बैंकिंग पे शिफ्ट किया। एक कंपटीशन तुमसे बहुत कुछ मांगेगा लेकिन वो बहुत कुछ देगा भी। वेलकम बैक टू BS एजुकेशन चैनल, मैं आपका मेंटर अखिल कस्तूरकर। आज हम लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं राधिका मैम का, जो एक इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पास आउट किए हैं, उन्होंने प्राइवेट में जॉब किया हुआ है, वहाँ से उन्होंने प्रिपरेशन में आए, उनमें उन्होंने कितनी नई नई चीज़ें देखी। इसके साथ इनके इंटरव्यू में एक बात पता चलेगी कि एक लड़की के पास जॉब होने के बाद उनकी लाइफ कैसी चेंज होती है, सारी बातें हम करेंगे राधिका मैम के साथ। राधिका मैम, वेलकम टू द स्टूडियो। राधिका मैम, मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले आपकी इंट्रोडक्शन से शुरू करें। तो थैंक यू सो मच सर इस अपॉर्चुनिटी के लिए जी, और हर उस हेल्प के लिए जो आपकी तरफ से। थैंक यू। तो मेरा नाम राधिका रविंद्र तड़स है और मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है और 2017 पास आउट। अच्छा, कहाँ से किया? विमेंस। अच्छा, ओके ओके। और उसके बाद मैंने जॉब किया है मुंबई में। अच्छा, BPO का जॉब था। अच्छा, और कुछ दिन जॉब किया, नियर अबाउट एक साल। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि प्राइवेट में मतलब इतना कुछ है नहीं और ये शायद मेरे लिए नहीं है, तो उसके बाद फिर मैंने शिफ्ट किया और मैंने सोचा कि मेरे लिए एक स्टेबल ऑप्शन क्या हो सकता है। हाँ। जो मुझे लगा कि मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब एक स्टेबल सिक्योर करियर ऑप्शन है। हाँ। तो फिर मैंने गवर्नमेंट के लिए शिफ्ट किया। ओके। और उसी के बाद से फिर मेरी जर्नी शुरू होती है। अच्छा, तो बताइए फिर बैंकिंग BS कैसी जर्नी थी, वो आप आगे बढ़ाइए। तो सबसे पहले सर, जब मैं वापस आई मुंबई से, तो मैंने कुछ फ्रेंड्स से बात की कि अभी करियर में क्या होना चाहिए। कुछ लोग MPSC UPSC प्रिपरेशन में थे, कुछ लोग रेलवेज में थे, कुछ बैंकिंग में थे। MPSC UPSC का जो सिलेबस था, जब मैंने इन्फॉर्मेशन और निकाली, तो जो वो सब्जेक्ट्स थे वो मेरे इंटरेस्ट के नहीं थे, तो मुझे लगा मैं ये नहीं कर सकती। दूसरी बात ये थी कि जितना टाइम उसको देना पड़ता है और पेशेंटली हर रोज कंसिस्टेंटली 10-12 घंटे, वो मेरे से नहीं होना था। रेलवेज में भी मतलब वैकेंसीज कंसिस्टेंट नहीं थी, तो मुझे लगा बैंकिंग मेरे लिए सेफ ऑप्शन है, क्योंकि बैंकिंग हर साल वैकेंसीज निकालता है और टाइम टू टाइम रिजल्ट्स भी देता है नोटिफिकेशन। तो फिर मैंने बैंकिंग पे शिफ्ट किया। सबसे पहले इंटरनेट पे पता किया कि कौन से क्लासेस है नागपुर में, तो मुझे BS सबसे अच्छा लगा। मैंने इंक्वायरी निकालने के बाद BS ज्वाइन किया। और फिर BS में जब पढ़ाई शुरू हुई, आपका डे वन था इंट्रोडक्शन, तो वहाँ से मुझे पता चला कि बैंकिंग में क्या क्या चीजें हैं, अपॉर्चुनिटीज कितनी है। RBI है, SBI है, RRBs है, RBPS है। वहाँ से फिर मैंने अपना एक चूज किया कि मुझे क्या चाहिए। मुझे लगा कि RRBs मुझे पता चला सबसे जल्दी क्रैक होने के लिए इजी है करने के लिए। तो शुरुआत के लिए फिर मैंने ये सोचा कि मुझे इसी के साथ जाना चाहिए। जैसे जैसे फिर आगे पढ़ाई बढ़ेगी, वैसे वैसे फिर प्रिपरेशन करते जाएंगे। जी, ग्रेट। सो अभी आपने प्रिपरेशन शुरू किया, आप इसमें आगे बढ़े, आपको बैंकिंग की तरफ, चलो पहले हम ये जर्नी को कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग एक पर्सनल लाइफ पे वापस जाएंगे। फिलहाल हम इस जर्नी को कवर करते हैं। तो अभी आपका सिलेक्शन हो गया एज एन RRBPO बने आप। तो इस जर्नी में आपको क्या लगा जब आपने एंट्री किया बैंकिंग सेक्टर्स में, आपको सिलेबस कैसे लगा था, सिलेबस कैसे लगा, आपने उसके लिए क्या डिसिप्लिन फॉलो किया, प्रिपरेशन कैसे किया, उसके बारे में आप थोड़ा एक आध मिनट बात करें ऐसा चाहता। बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जो हमारे बारे में बोला जाता है कि हम लोग एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं, राइट राइट। तो सबसे पहले मुझे ये दिखा कि सबसे आसान कौन सा है लेने के लिए जॉब, तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जी, चार, बस चार सर बैंकिंग में आते हैं बराबर ये। और अदर एग्जाम्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, MPSC, रेलवे, जो भी। तो मुझे लगा कि ठीक है, मुझे इसके लिए जाना चाहिए। तो मैंने एक एक सब्जेक्ट से शुरुआत करी, फिर रीजनिंग जो भी है, रीजनिंग, मैथ्स, इस सब में किया। और डिफिकल्ट लगता था वही करंट अफेयर्स और ये सब करना, लेकिन जैसे जैसे प्रिपरेशन में जाते हैं, जैसे जैसे पढ़ाई करते हैं, तब लगता है सर कि ये हो जाएगा अपने से,
कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन फिर आप ही ने बोला था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको प्रैक्टिस करने से हाथ दर्द करेगा लेकिन हाथ टूट के नहीं गिरेगा। तो अगर सिर्फ हाथ दर्द ही कर रहा है तो दर्द तो हर जगह पे मिलना है, या तो तुम्हारे सामने प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको फेस करके निकल जाओ, या तो फिर वो प्रॉब्लम तुमको बार 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 तकलीफ आती रहेगी। मुझे ऐसे लगा कि मुझे इसको फेस करना चाहिए। ओके, जो भी डेली का डीमोटिवेशन है या फिर फ्रस्ट्रेशन है, किसी के ताने हैं, जो भी चीजें, या फिर कॉम्पिटिशन है, उसका भी प्रेशर रहता है कि हम लोग कहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं और बाकी लोग बहुत जगह जा रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैंने हर चीज पे काम किया। मैम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। जब आप प्रिपरेशन में आए थे तो आपकी जर्नी मुझे पता है, बस मैं वो आपको जानबूझ के रिकॉर्ड हो इसलिए वो सवाल निकाल रहा हूँ। तो आपने प्रिपरेशन शुरू किया था, फिर आप आए, फिर आपने फिर बंद कर दिया था, फिर आप वापस आए थे, वो क्यों, वो क्या हुआ था बताइए। सर, ऐसे था जैसे हम लोग बैच कंप्लीट हो गए, आपके बैच कंप्लीट हो गए, फिर हम लोग लाइब्रेरी में बैठते थे, करते थे। तो अब अपन बात करते अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, तो मुझे ये पता चल रहा था, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, हम लोगों को सिंप्लीफिकेशन 2 मिनट में कंप्लीट करना है एग्जाम में, मेरा नहीं हो रहा है। तो मुझे वो चीज का, ऐसे छोटे छोटे चीजों का डर लगता था कि मेरे से नहीं होगा, मतलब मुझसे गवर्नमेंट जॉब नहीं होगा। तो मैंने बहुत जल्दी क्विट कर दिया क्योंकि मुझे रिजल्ट नहीं मिला। फॉर्म भरे थे लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, तो मुझे लगा इसमें बहुत टाइम जाएगा और मैंने क्विट कर दिया। कॉन्फिडेंस टोटल लो हो चुका। फिर मैंने शिफ्ट किया था रेलवेज पे, रेलवेज में लोको पायलट की जो वैकेंसी आई थी उसके लिए फॉर्म फिल किया, उसमें सारे फेजेस क्लियर होते गए, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस बूस्ट होते गया। तो फिर मैंने अपना पूरा अटेंशन वहाँ पे दिया, रेलवे लोको पायलट, रेलवे लोको पायलट। लेकिन जब पूरा एक साल मैंने दिया फिर भी वो 3 मार्क्स से छूट गया, ठीक है, तो वहाँ पे सबसे बड़ा सेटबैक था मेरा, सबसे ज्यादा। उसके बाद फिर कोई एग्जाम नहीं है रेलवे की, फिर मैंने टोटल मेरा प्रिपरेशन ही छूट गया कि फिर तो ऐसे, पहले लगा बैंकिंग नहीं होगा, फिर लगा गवर्नमेंट जॉब ही नहीं होगा। तो फिर मैंने पॉज ले लिया, उसके बाद फिर कोरोना एंड ऑल सारी चीजें। मैं इस पे एक बात करना चाहूंगा, आप जो चूज करते हो एग्जाम, वो अगर गलत चूज करोगे तो आप अपना मोरल डाउन करोगे ये सोच के कि मेरे से नहीं होगा। रेलवेज आप लोगों ने ज्वाइन किया, ये ऐसे कुछ डिसीजन लेते हैं जो टीचर्स को बिना पूछे ले लेते हैं, बराबर। हम लोग हमेशा, मैं हमेशा खिलाफ रहता हूँ कि आप किसी एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर मत करिए। रेलवे अगर आप प्रिपेयर करोगे साल में एक बार होगी और उसके रिजल्ट्स भी इतने फास्ट नहीं आते, उसमें प्रॉब्लम होता है। और अगर आप एक एग्जाम स्किप कर दोगे, जैसे 3 मार्क्स से हुआ, देखो पूरा साल बर्बाद हो गया। फिर हम लोग जो सेटबैक आते हैं कि बाप रे एक साल बर्बाद हो गया, मेरे पास जॉब नहीं है, फिर अभी मैं क्या करूँ, ये डिसीजंस गलत है। आप रेलवेज की तरफ मत जाइए, प्लीज़, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट एग्जाम आप उसको अकेले को मत फॉलो करिए। उसके एग्जाम्स बहुत फॉर्मल है, वो कभी होती है कभी नहीं होती है, बीच में स्टे आ जाता है। सो प्लीज, और इसके वजह से फिर बैंकिंग के लिए बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि बैंकिंग में बहुत से एग्जाम्स लगे हुए रहते हैं, राइट। तो जब अभी आप प्रिपेयर कर रहे थे, जब आप लाइब्रेरी ज्वाइन किए थे, तब आपको बाकी के लोग क्या ट्रीट करते थे, तब वो क्या बोलते थे आपको, टॉन्ट कैसे मारते थे, जो पॉइंट था, रिलेटिव्स के क्या पार्ट थे, क्योंकि आपने बहुत टाइम ले लिया था, तो उस मोमेंट में शादी के लिए क्या प्रेशर्स थे, वो क्या पार्ट था, उसके बारे में आप जरा बताइए। सर, जैसे कि भाई सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो घर वालों की तरफ से पूरा सपोर्ट था, लेकिन रिलेटिव्स घर वालों को पूछ रहे हैं कि आपकी बेटी की उम्र हो रही है तो बेटी क्या कर रही है, तो वो प्रिपरेशन कर रही है, पिछले साल भी कर रही थी, इस साल भी कर रही है, तो क्या प्रॉब्लम है। और एक बात ये भी है जो मुझे पता चली, अगर लड़की बार 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 शादी के लिए ना बोल रही है तो मतलब शायद कुछ और प्रॉब्लम है, कुछ और चीज है, तो ये भी ऐसी नाम खराब करने के लिए फालतू बोलना, ये भी वो कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। जी जी, लेकिन मेरा सिंपल था मेरे घर वालों को बोलना कि मैं प्रिपरेशन ही कर रही हूँ, और जैसे ही दे नो यू ना, उन्होंने देखा। फिर दोस्तों ने तो सपोर्ट ही किया है कि तू कर सकती है, तू कर, तेरे में पोटेंशियल है। और दूसरी बात ये थी कि जब आप लाइब्रेरी जाते थे तब का क्या सीन था लाइब्रेरी में? सर, मतलब फ्रेंड्स को देख के ये, मतलब उनकी गलतियां अपन नहीं करनी, उनकी अच्छाइयां भी हम देखेंगे। अब मेरे लाइब्रेरी से मैं सिलेक्टेड हूँ, वो लोग नहीं हूँ,
उनके कुछ लैगिंग पॉइंट्स होंगे, ठीक है, मेरे भी कुछ थे जिस पे मैंने काम किया जी। अब चीजें ऐसी थी कि मैं लाइब्रेरी में बैठी हूँ, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो घर वालों को जवाब भी देना है। एक ओबीसी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो फीस भी तो भरनी है फॉर्म की सबसे ज्यादा, तो हर बार वो जवाब देना, वो अकाउंटेबिलिटी लेना और फिर उस पे जाना, तो वो एक प्रेशर बनता था। लेकिन उससे कन्वर्ट किया मैंने कि जो भी चीजें उनके तानों को भी कन्वर्ट करो, हर चीज पीते रहो, कोशिश इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचाए, right. उनके टॉन्ट्स भी पीते रहो, घर हाँ. वालों का प्रेशर भी देखो, शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं, वो जो भी चीजें बोल रहे हैं, अभी के लिए शांत रहना है राधिका, उसके बाद से right. फिर जब सिलेक्शन जॉब लग गया उसके बाद का क्या सीन है? हाँ. तो पहले ऐसे था कि हाँ कब तक करेंगे, हाँ. फिर अभी हाँ हमें तो पता था कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, राइट, तुम कर रही हो प्रिपरेशन, कितनी अच्छी बात है। हाँ, अब वो खुद ही बताएंगे कि मेरी भांजी है जॉब हाँ, पे लगी, राइट राइट, जो भी चीजें हाँ, 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 तो वो अभी बिल्कुल मतलब शिफ्ट हो गया, राइट, ये तो सभी को देखने हाँ, को मिलता ही है सबके लाइफ में। देखो कि अभी वो कैसे जॉब पे लग गई, और इवन मुझे बोले है कि एरिया में भी लोग बोलते थे कि कब तक क्या, तो अभी बोलते हैं कि वाह राधिका करके दिखाई दिया तुमने फाइनली, राइट। देखिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो ये मैंने आपको इसलिए सवाल पूछे क्योंकि ऐसे कई गर्ल्स है या फिर ऐसे कई फैमिलीज है जो इस अंडर प्रेशर को हैंडल नहीं करते, और ये बहुत ही वाहियात सा प्रेशर है, ये बहुत वाहियात से सवाल है या एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी के, बिकॉज दे वांट कि मैं कुछ नहीं कर रहा तो आगे वाले ने भी कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ। कुछ बड़ा एक्सपेक्टेशन रख रहे खुद से, तो उनको लगता है गलत है, कोई प्रिपरेशन कर रहा था तो अरे हमसे नहीं हुआ, कहाँ तुमसे आपसे होगा, राइट, वही चीजें बहुत होती है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, देखिए प्रेशर हैंडल करोगे तो लाइफ में बहुत कुछ चीजें अच्छी मिलेगी। नाउ शी इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, अब उनकी शायद अभी शादी फिक्स हुई है, तो अभी आगे की जर्नी और अच्छी रहेगी। मैं आप सबसे यही कहना चाह रहा था ये स्टोरी के द्वारा कि पढ़ते रहिए, फॉर गर्ल्स आई रियली वांट कि अच्छा ठीक है, हाँ प्लीज बोल दीजिए। हाँ मतलब ये एक चीज है कि मेरे पापा बोलते थे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, भले ही उनको लोग बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं उनको, लेकिन फिर भी वो बोलते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरी मम्मी का था, मेरी मम्मी को भी ट्रेनिंग के 10 साल बाद जॉब लगा है एट द एज ऑफ 33 ईयर्स। अच्छा, तो मम्मा मुझे बोलती थी कि अगर मैं इस एज में लग सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं, तो तुम शादी के बाद भी प्रिपरेशन करना। और पापा भी यही बोलते थे कि नहीं तुम शुरू रखो, तुम्हारा एजेंडा क्लियर है ना, तुम्हें पता है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, बाकी हम लोग देख लेंगे। तो वो एक जो प्रोटेक्टिव होता है। और दूसरी बात ये सर, मेरा भाई मुझसे छोटा है लेकिन क्योंकि उसने नीट प्रिपेयर किया है तो उसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई है। एक कॉम्पिटिशन तुमसे बहुत कुछ मांगेगा लेकिन वो बहुत कुछ देगा भी। मेरा भाई भी मुझे बहुत मोटिवेट करता था। और अभी जैसे वो मेरे फियांसे मेरे लाइफ में आए हैं, उन्होंने तो मेरे लिए बहुत पेशेंट मतलब पेशेंस दिखाया है। ओके, वो इसके पहले मेरे घर पे आए थे और मैंने उन्हें बोला कि मेरा प्रिपरेशन चल रहा है, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। ओके, वाओ। थ्रू आउट 2023 में वो आए थे, उन्होंने पूरा 2023 वेट किया, 2024 में जब मेरा फिर से जॉब लग गया तब जाके हमारी शादी फिक्स हुई है। और उस टाइम पे भी उन्होंने यही चीज के लिए सपोर्ट किया, उन्होंने कोई नेगेटिव चीज नहीं दी कि तुम्हारी प्रिपरेशन है कीजिए, आपको करना है कीजिए, क्योंकि उन्होंने खुद भी प्रिपरेशन की थी, कुछ रीजंस की वजह से नहीं हो पाया, बट फिर भी। तो मेरे आसपास के जो मेरे बहुत नजदीकी लोग मिले मुझे वो बहुत अच्छे मिले। देखिए आप हमारी फैमिली, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एक लड़की अपनी फैमिली खुद चूज करती है। अगर आप ये स्ट्रगल करोगे, आप प्रूफ करोगे तो फैमिलीज भी अच्छी मिलेगी, आने वाला फ्यूचर स्ट्रांग होगा। ये चीजें प्लीज आप सब लड़कियां कर ही सकती हो। मैं हमेशा चाहूंगा कि लड़कियों के पास गवर्नमेंट जॉब होना इज अ बिग थिंग, वहाँ आपने प्रिपरेशन करना ही चाहिए। आई होप आपको इन राधिका मैम से कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिला ही होगा, और अगर मिला है तो जरूर कमेंट करिएगा, मैम को पढ़ के भी अच्छा लगेगा। और आपको अगर और भी कोई डाउट्स है तो आप राधिका मैम से मिल सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, राधिका मैम उसमें जरूर कमेंट भी करेगी और आपके डाउट्स भी क्लियर करेगी। थैंक यू सो मच राधिका मैम, आने वाले फ्यूचर में आपकी शादी हो रही है, फॉर दैट ऑल्सो ऑल द बेस्ट। पूरी BS टीम के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप आते रहिए और हम आपके बच्चों को भी पढ़ाने वाले हैं। हम लोग अभी बहुत जवान हैं तो हम अभी प्रिपेयर करते रहेंगे, और एग्जाम्स आती रहेगी तो हम पढ़ाते ही रहेंगे। चलिए एनीवेज थैंक यू सो मच, थैंक यू।